दोस्तों ये हमारी स्क्रीन है ह्यूंडई ग्रैंड आई टेन एंड एक्सेंट के लिए। ये आपको विद प्रॉपर फ्रेम मिलता है। इसके फ्रेम को आप देखेंगे तो इसको काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया है कि कम स्पेस के अंदर भी इसमें 9 इंच की स्क्रीन लग सके। एंड पीछे से भी इसके जो नक्के हैं बिल्कुल आपकी OEM फ्रेम की तरह ही है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो स्क्रीन लगने के बाद फ्रेम में 0-0 स्पेस रह जाता है, बिल्कुल परफेक्ट फिनिशिंग है। और आपकी गाड़ी में लगने के बाद भी इसमें बिल्कुल परफेक्ट फिनिशिंग आने वाली है। ये देखिए दोस्तों, इसमें आपको बिल्कुल मेन स्क्रीन पे ही स्पीड का आपका मीटर मिल जाता है। जिस भी स्पीड पे आपकी गाड़ी चलती है, इसके अंदर इनबिल्ट स्पीड सेंसर है। इसको आपकी गाड़ी से कोई भी इनपुट नहीं चाहिए, ये ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड हमेशा स्क्रीन पर दिखाता रहेगा। दोस्तों हर मतलब नॉर्मली जो एंड्रॉयड होते हैं उनके अंदर सिर्फ फ्रंट पे एक ही इंटरफेस रहता है किसी भी तरीके से, मतलब किसी में अलग होता है किसी में अलग होता है, लेकिन इसमें आपको 12 तरह के थीम्स मिल जाते हैं जिसको कि आप चेंज कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपने मेन स्क्रीन पे देखा, इसके अंदर ये XT88 ये थीम लगा हुआ था। अभी मैं जैसे इसमें कोई और थीम लगा देता हूँ, ये देखिए दोस्तों इसका जो थीम है मेन वो चेंज हो चुका है। एंड सिर्फ फ्रंट की स्क्रीन नहीं, ओवरऑल जो इसके आइकन्स वगैरह थे उसका इंटरफेस भी चेंज हो चुका है। तो दोस्तों देखिए इसमें दो ये फीचर एक्स्ट्रा हैं बाकी नॉर्मल एंड्रॉइड से। एक तो इसके अंदर आपको 12 थीम्स मिल जाते हैं और दूसरा मेन स्क्रीन पे आपको ये इसके स्पीडोमीटर मिल जाता है डिजिटल और एनालॉग दोनों तरीके से। अब मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों इसके अंदर बिल्कुल जो भी लेटेस्ट हमारा एंड्रॉयड 11 चल रहा है वो इसमें आपको मिलता है। 2 GB रैम मिलती है, 16 GB अंदर इसके स्टोरेज मिलता है। साथ में इसके 2 USB इनपुट रहते हैं जिससे कि आप इसके अंदर 2 पेन ड्राइव या फिर आपके मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हो। और ये इसका बाकी का इन्फॉर्मेशन है। इसके अंदर MTK का प्रोसेसर रहता है 8227L। ये देखिए दोस्तों इसमें आप अपनी गाड़ी के कंपनी के हिसाब से लोगो सेट कर सकते हैं। ये सभी इसमें लोगो दिए हुए हैं, सुजुकी, टाटा, महिंद्रा, ऑलमोस्ट हर इसके अंदर दिए हुए हैं। ये देखिए दोस्तों काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। और इसके बाद अगर आपकी गाड़ी में स्टेयरिंग व्हील कंट्रोल्स हैं, मतलब स्टेयरिंग व्हील पे कंट्रोल हैं, तो उसको भी आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं। ये इसके अंदर फीचर फंक्शंस है, इनसे आप किसी भी बटन को आप असाइन कर सकते हैं। दोस्तों मैं इसकी वीडियो क्लैरिटी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों इसकी प्योर FHD फुल HD IPS डिस्प्ले है। आप इसको सामने से देखें या साइड के इस एंगल से देखें या फिर इस एंगल से देखें, स्क्रीन के जो कलर्स हैं आपको बिल्कुल सेम दिखाई देंगे। मैं आपको अभी ये 180 डिग्री व्यू पूरा दिखा रहा हूँ। और एंड आप देख सकते हैं कलर बिल्कुल क्रिस्प आपको जो HD-ness है वो मिलता है। ये देखिए दोस्तों इसके अंदर आपको इनबिल्ट DSP मिल जाता है, इक्विलाइजर जिसको बोलते हैं। ये देखिए इसके अंदर आपको ये 10 तरह के प्रीसेट इंटरफेसेस मिल जाते हैं वॉल्यूम के लिए, और आप मैन्युअली भी बेस और सराउंड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों इनबिल्ट आपको एम्पलीफायर मिलता है जिसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों ये इसका ऑडियो एम्प है, इसको आप कम ज़्यादा करके जो इसमें स्पीड का एक बूस्ट मिलता है उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंड ये देखिए दोस्तों इसके अंदर आपका ड्यूल कैमरा सपोर्ट करता है। इसमें आपको ये दिख रहा होगा फ्रंट स्विच, ये फ्रंट कैमरा के लिए है। देखिए दोस्तों FR कैमरा, इट इज़ फ्रंट कैमरा। दोस्तों अगर आप ये लेते हैं तो आप इसको किसी भी लोकल एसेसरी शॉप से फिट करा सकते हैं, कोई भी एसेसरी वाला कर देगा, क्योंकि इसके साथ आपको कुछ भी वायर कटिंग, कुछ भी अल्ट्रेशन, कुछ भी फ्रेम अल्ट्रेशन नहीं करनी पड़ती। जस्ट आपको आपका पुराना फ्रेम निकालना है
एंड ये नया फ्रेम लगा देना है। इसके साथ आपको सुजुकी की ही कंपैटिबल में सॉकेट मिलेगी, मैं आपको वो भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये आपको इसके साथ सॉकेट मिल जाती है। जो आपकी कंपनी में पुराना स्टीरियो लगा हुआ है उसकी कपलर निकाल के डायरेक्ट उसमें फिट हो जाएगा, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। एंड ये आपका FM एंटीना में फिट हो जाएगा, और ये जो एंटीना है ये आपका इस एंड्रॉइड के अंदर पीछे लग जाएगा, पीछे स्पेस दिया हुआ है।